आपको क्या लगा था मेरे लिए ये कठिन होगा? नहीं, कदापि नहीं। प्रभु, किंतु माता ने तो सिद्धियों का प्रयोग करने से मना किया था। मंदिर और सीढ़ियों के निर्माण के लिए सिद्धियों के प्रयोग के लिए मना किया था आपने। मैंने शर्त तोड़ी नहीं, बस थोड़ी मरोड़ी है। मैंने अनेकों प्रतिरूप प्रकट कर दिए। ये तो छल है। माता के शब्दों का अनुचित लाभ उठा रहा है नरकासुर। अनुचित का फल कभी भी उचित हो ही नहीं सकता। मंदिर का कार्य समाप्त हुआ, अब सीढ़ियां। प्रभु, अभी तो आधी रात्रि भी बाकी है और आधे से अधिक कार्य तो इसने कर भी लिया। यदि ये मंदिर बनाने में सफल हुआ तब क्या होगा? देखा देवी, उतना कार्य कर चुका हूँ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सुबह से पहले पहले ही तब कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रभु, आप विघ्नहर्ता हैं, जटिल से जटिल बाधाओं को भी दूर करते हैं। प्रभु, आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ प्रभु। प्रभु, आप विघ्नहर्ता हैं तो विघ्नकर्ता भी तो आप ही हैं। शीघ्र कुछ कीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब तो एक यही उपाय है, मैं जाकर माता कामाख्या को ये सुझाव देता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण हो। मैं जानती हूँ मेरी चिंता के कारण को लेकर ही प्रथम पूज्य भी चिंतित हैं। माता, आपकी ही दी हुई शक्तियों का प्रयोग आपके ही विरुद्ध, ये तो छल है। ऐसे अधर्मी को उचित सीख तो मिलनी चाहिए ना। किंतु उपाय सोचने के लिए समय ही कहाँ है। उसे तो पूर्ण विश्वास है कि समय के रहते ही वो निर्माण का कार्य संपूर्ण कर लेगा और बस अब अंतिम सीढ़ी ही शेष है। समय रहते उसके इसी विश्वास को ही तो डिगाना है। कैसे गणेश, ये कैसे होगा? अहंकार जिसकी प्रेरणा हो उसके मन में तनिक भी संदेह बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए बस उसका बीज बोना है और ये दुष्ट मंदिर निर्माण का कार्य रोक देगा। किंतु उसके मन में संदेह कैसे उत्पन्न करोगे गणेश? संपन्न होने वाला है कार्य मेरा देवी, देखिए। उसकी युक्ति है मेरे पास,
जिसके लिए मुझे बांग देने वाले मुर्गे की आवश्यकता है, किंतु जैसे ही नरकासुर को ज्ञात होगा कि उस मुर्गे के कारण वो विफल हुआ, तो वो उसका वध कर देगा, और मैं किसी निर्दोष प्राणी के साथ ऐसी निर्दयता नहीं होने देना चाहता। तो मैं अपनी शक्ति से एक ऐसे मुर्गे को उत्पन्न करूंगी, जैसे ही उसका कार्य समाप्त हो जाएगा वो फिर मुझ में ही समाहित हो जाएगा। उचित है माता, तो उसे ऐसे स्थान पर भेजिए जहाँ नरकासुर भी उसके स्वर को सुन सके। बस, बस अब कुछ ही पल की देरी है देवी, मैं आपकी शर्त को पूरा कर दूंगा। ये मुर्गा कहाँ से आ गया? ये यहाँ क्या कर रहा है? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम शीतल प्रसादाय नमः। चाहिए था मुझे, पर देर कैसे हो गई? विघ्नहर्ता गणेश ने तो मुझे भी इस विकट स्थिति से उबार लिया। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आपकी तीव्र बुद्धि। इसका कोई लाभ नहीं। तो पल पल गिन रहा था, पर फिर देर कहाँ हुई? असफल कैसे हो गया मैं? कैसे? दूसरी दिशा से कैसे आ रहा है? सूर्य उदय तो अभी हो रहा है। अर्थात इस मुर्गे ने समय से पहले बांग दी है। समय था मेरे पास। देवताओं को पशु रूप में बंदी बनाया था मैंने, और एक साधारण मुर्गे ने मुझे मूर्ख बना दिया। नहीं, ये कोई साधारण मुर्गा नहीं हो सकता, अवश्य ये किसी का छल है, किंतु अब ये नहीं बचेगा। Thank you.
तुम मुझे क्या मारोगे नरकासुर? तुम्हारा वध करने वाला शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम मुझे क्या मारोगे नरकासुर? तुम्हारा वध करने वाला शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा वध करने वाला शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने वाला है। पुत्र, अच्छा हुआ पुत्र तुम आ गए, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। क्या सोच रहे हो पुत्र, कुछ हुआ है क्या? मुझे स्वीकार नहीं किया उसने, नकार दिया। किसने नकार दिया पुत्र? यही योजना थी उसकी, मुझे नकारना ही था। मुझे बताओगे भी तुम किसकी बात कर रहे हो? देवी कामाख्या ने मेरा सुरक्षा कवच वापस ले लिया, मेरे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, छल किया मेरे साथ। उन्होंने मेरी शक्तियों का अपमान किया है और नरकासुर अपना ये तिरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। आरंभ और अंत दोनों नियत है और माता ने भी कहा था नरकासुर का वध किसी और के हाथों होने वाला है जिनका आना अभी शेष है। कौन है वो प्रभु? ये तो मैं भी नहीं जानता, किंतु हमें लगा कि माता ने आपको पूरी योजना बता दी है। माता ने बस इतना कहा था कि जो भी घटनाक्रम होगा उससे ये ज्ञात होगा कि नरकासुर माता भूदेवी का सदाचारी पुत्र बनने का चुनाव करेगा या दुराचारी असुर होने का, और यदि उसने दुराचार का मार्ग अपनाया तो वो माता की सुरक्षा से वंचित हो जाएगा। किंतु उसका वध कौन करेगा ये रहस्य तो बस माता कामाख्या को ही ज्ञात है। तब तो हमें माता कामाख्या का आवाहन कर उन्हीं से आग्रह करना चाहिए कि वो हमारी जिज्ञासा शांत करें। संभव है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को भी उसमें अपनी भूमिका निभानी हो। अवश्य ये षड्यंत्र नारायण ने ही रचा था। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए कभी देवी कामाख्या, कभी गजानन, कभी अपने ही पिता के महास्वरूप नारायण को दोषी समझने की भूल कर रहे हो तुम। भूल नहीं, वर्षों तक भक्ति की है मैंने, वो भक्ति जब प्रेम बनी तो कितनी कठोरता से ठुकरा दिया था उसे देवी कामाख्या ने। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम कामाक्षये चामुण्डाये विद्महे भगवतये धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम माता। जिन जिज्ञासाओं को लेकर आपने मेरा आवाहन किया है अब उसे शांत करने का समय आ गया। हाँ माता, हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए। भक्त जब तक अपने भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है तब तक वो अपने आराध्य की छत्र छाया में रहता है, सुरक्षित रहता है। नील पर्वत पर मेरे मंदिर का निर्माण कर नरकासुर ने पुण्य तो अर्जित कर लिया, किंतु उसके आसुरी स्वभाव उससे भूल करवा ही दी और वो मेरी कृपा से वंचित रह गया। नील पर्वत की अधूरी सीढ़ियां इसका प्रमाण है, जो आगे चलकर मैखे लोजा पथ कहलाएगा और ये स्थान सभी को ये स्मरण कराएगा कि मेरे कामाख्या धाम पर पाई हुई शक्तियों का जो भी दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा तो उनका कुटिल प्रयोजन कभी सफल नहीं होगा। सभी को ये स्मरण कराएगा कि मेरे कामाख्या धाम पर पाई हुई शक्तियों का जो भी दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा तो उनका कुटिल प्रयोजन कभी सफल नहीं होगा। और वो स्थान
जहाँ पर उसने मुर्गे का अंत करने का प्रयास किया था, उसे कुकुर काटा के नाम से पुकारा जाएगा, जो सभी को ये स्मरण दिलाएगा, यदि वो अपने अंदर कुटिलता को जन्म लेने देता है और उसे पालता पोसता है, तो वो अपने विनाश को निमंत्रण देता है। धर्म पर स्थित दिव्य शक्तियाँ उसे उसके उचित परिणाम तक अवश्य पहुँचाती, तो वो अपने विनाश को निमंत्रण देता है। धर्म पर स्थित दिव्य शक्तियाँ उसे उसके उचित परिणाम तक अवश्य पहुँचाती। पुत्र, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? इतने विचलित क्यों हो? लगता है जैसे तुम्हारा मन शांत नहीं। हाँ, नहीं है शांत। और जो अपने मन में ऐसे कपट को घर करने देते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। किंतु माता, आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपिणी हैं। संसार में जो कुछ भी होता है आपकी ही इच्छा से होता है, तो आप तो उसका वध कर संसार को उसकी दुष्टता से मुक्त भी कर सकती थी। सत्य है, संसार में मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, किंतु जो नियम और मर्यादा मैंने स्थापित की है, उन्हें स्वयं मैं कैसे भंग कर सकती हूँ? विधि का विधान तो यही है कि जिसकी मृत्यु जिस प्रकार और जिसके हाथों से नियत है, वैसे ही होगी। किंतु आप सभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिस दिन उसका काल आएगा, जिसके भी हाथों से उसकी मृत्यु तय है, वो उसके सामने ही होगा। मेरा अंत ऐसे नहीं होगा। पुत्र, कुछ नहीं है यहाँ, ये किसका भय है तुम्हें? मैं तुम्हें ऐसे भयभीत नहीं देख सकती। भक्त नरकासुर ने भक्ति त्याग कर असुर होने का चुनाव किया है, तो अब उसका मन भी कभी शांत नहीं रहेगा। अपने अंत की आशंका में वो भयभीत भी रहेगा और आतंकित। किंतु माता, वो कौन सी दिव्य शक्ति है जिसके हाथों उसका अंत होगा? ये रहस्य तो आपने अभी भी उजागर नहीं किया। नारायण ने जब नरकासुर को मेरी भक्ति करने का मार्ग सुझाया, तब उसने छल किया और अपनी मृत्यु को असंभव बनाने के लिए उनसे एक और वरदान मांग लिया। वो वरदान क्या था माता? आतंकित और भयभीत होना नरकासुर का स्वभाव नहीं मां। आशीर्वाद गया, सुरक्षा कवच भी गया, किंतु दीर्घायु का आशीर्वाद अभी भी बाकी है। इसलिए मैं अमर था और अमर ही रहूंगा। नारायण, मैं सदा आपके दिखाए हुए पथ पर चलूंगा। मैं आपका अवतार का पुत्र हूं, तो क्या आप अपने इस पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान नहीं देंगे? स्पष्ट कहो नरकासुर, क्या चाहते हैं? आप मुझे अमृत नहीं देंगे, ये तो मैं समझ गया प्रभु। तो बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मैं कभी आपके बताए हुए पथ से मैं भटक गया, तो आपके अवतार और उस अवतार में एक साधारण स्त्री जो आपकी धर्म पत्नी होगी, वही सम्मिलित रूप से मेरा वध कर सके, और कोई नहीं। ये आशीर्वाद लेकर तो नरकासुर ने अपनी मृत्यु को भी बांध दिया। छल करना क्या केवल इन्हीं आता है? मैंने भी ऐसा आशीर्वाद लिया है जो अमृत से भी दुर्लभ है। देवी लक्ष्मी की अवतार नहीं, साधारण स्त्री उनकी पत्नी होगी, असंभव है ये। नारायण, आपने अनजाने में ही मुझे अमर कर दिया। छल और कपट ने तुम्हारी मन और बुद्धि के साथ तुम्हारे ज्ञान को भी भ्रष्ट कर दिया है। धर्म, जिसे तुम भूल बैठे हो, वो न्याय दिलवाने का मार्ग खोलता है और कपट और कुटिलता के अंत का भी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि यह असंभव संभव हो चुका है? हाँ, वो कोई और नहीं
16 कलाओं से पूर्ण नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा। छल और कपट ने तुम्हारे मन और बुद्धि के साथ तुम्हारे ज्ञान को भी भ्रष्ट कर दिया है। धर्म जिसे तुम भूल बैठे हो वो न्याय दिलवाने का मार्ग खोलता है और कपट और कुटिलता के अंत का भी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये असंभव संभव हो चुका है? हाँ, वो कोई और नहीं। 16 कलाओं से पूर्ण नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा है। देवी सत्यभामा और नारायण की सम्मिलित शक्ति से ही होगा नरकासुर का वध। अभी भी समय है पुत्र, अपनी भूल को समझो। भूल भूल भूल, ये कैसी रट लगा रखी है आपने? जिसको आप मेरी भूल समझ रही हैं, वही मेरी शक्ति है। आज देवता मेरे अधीन है इसी कारण। और किसी को विवाह का प्रस्ताव देना ये तो कोई भूल नहीं। वो भूलों से परे है। ऐसा ही भ्रम लंकाधिपति रावण को भी हुआ था और वो माता सीता को विवाह प्रस्ताव देने की उदंडता कर बैठा, जिसका परिणाम तुम ही नहीं सारा संसार जानता है। पता है, सब पता है। देवी कामाख्या भगवान की या किसी उनके अवतार की पत्नी नहीं, ये भी पता है मुझे। देवी द्वारा किए गए अपमान का परिणाम अब 1000 स्त्रियां भुगतेंगी। मैं धरती की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों से विवाह करूंगा, वो भी उनकी आंखों के सामने। अब ये असुर अपनी मृत्यु को और निकट बुला रहा है और प्रभु श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा इसे वो मृत्यु प्रदान करेंगे। किंतु माता, इसने तो वरदान पाया है ना कि प्रभु नारायण की पत्नी देवी लक्ष्मी अवतार नहीं होनी चाहिए। देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी की नहीं अपितु एक भक्त स्त्री है जिन्होंने पुनर्जन्म लेकर प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साधारण भक्त? तो एक साधारण स्त्री प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? उसकी भक्ति, निष्ठा और समर्पण अतुलनीय था, जिसके कारण एक ही साधारण स्त्री होते हुए भी वो प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी बनी। और उसकी इसी भक्ति की शक्ति के कारण नरकासुर का विनाश संभव होगा। क्या हुआ प्रिय? इस कल्प वृक्ष के नीचे हमारे भवन के आंगन में इन अपार शांति के पलों में भी आप विचलित क्यों हैं? प्रभु, आपके साथ बीतने वाले इन पलों का आनंद अद्भुत है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा हूँ। किंतु मन शंकाओं से घिरता है कि मैं सम्मान के योग्य भी हूँ या नहीं। मैंने ऐसा किया ही क्या है? स्वामी, इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई भी सत्कर्म नहीं किया। मैं तो बस एक साधारण स्त्री हूँ और आप प्रभु विष्णु अवतार, फिर आपने मुझे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार किया? ये मेरी समझ से बाहर है प्रभु। इस जन्म का भाग्य इसी जन्मों के कर्मों पर आधारित नहीं है। मनुष्य के पूर्व जन्म के फल भी उसे उसके भावी जीवन में प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म प्रभु? पिछले जन्म में जो आपने किया था वो सर्वथा असाधारण था। अच्छा प्रभु, ऐसा क्या किया था मैंने? सत्युग के अंत में मायापुरी अर्थात हरिद्वार में अत्रिकूल में एक विद्वान धार्मिक
और सूर्य व्रत का पालन करने वाला एक ब्राह्मण, सुधर्म का वास था, सूर्य की भांति तेजस्वी, जगत में देव शर्मा के नाम से विख्यात सुधर्म के यहां आपका जन्म हुआ था। और आपका नाम था गुणवती। तब आपके पिता ने आपका विवाह अपने ही एक शिष्य के साथ नियत किया था। उसका नाम था चंद्र। ये क्या गुणवती, आज अपने प्रिय सहेली के बिना ही आरती आरंभ कर दी? तुम्हें तो पता है ना देवकी, मैं अपने प्रभु श्री नारायण की पूजा में कभी विलंब नहीं करती। तुम्हें समय पर आना चाहिए था। चिति का पुत्री गुणवती ने, भला भक्त भगवान को प्रतीक्षा कैसे करा सकते हैं? यदि इनका बुलावा आ जाए तो एक पल का संकोच किए बिना अपने प्राण त्याग कर प्रभु की शरण में चला जाऊं। प्राण त्यागने की बात क्यों कर रहे हैं पिताजी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पिताजी के शब्दों में बहुत सार है। जो प्राण हमें प्रभु ने दिए हैं वो प्रभु के ही अंश हैं। उनकी इच्छा के आगे हमारे प्राणों का क्या मोल। हम सभी तो प्रभु में समाहित होने को सदैव तत्पर हैं। ये सुबह सुबह आप दोनों ने कैसी बातें छेड़ दी। प्रभु ने हमें जीवन दिया है त्यागने के लिए नहीं, अपितु पूरी निष्ठा से, श्रद्धा और कर्म भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने के लिए। ये भी उचित है, प्राण है तभी तो भक्ति है। गुणवती नाम है हमारी पुत्री का, सदैव अपना नाम सार्थक करती है, सभी गुणों से संपन्न। हाँ हाँ, पूरा आश्रम परिचित है गुणवती के गुणों से। और मुझे तो लगता है ये बात प्रभु नारायण को भी अवश्य पता होगी। किंतु पुत्री, भगवान गुणवान की कठोर परीक्षा लेते हैं। जब वो समय आए तो ना तुम भयभीत होना, ना तुम संकोच करना, बल्कि दृढ़ता के साथ अपने गुणों पर खरी उतरना। जी पिताजी। चंद्र, हमें देर हो रही है, हमें समिधा और कुश एकत्रित करने के लिए चलना चाहिए। किंतु पिताजी, आप दोनों जाओगे कहाँ? वहीं जहाँ सदैव जाते हैं, सखा व्रत पर्वत पर स्थित वन में। स्वामी, आप पिताजी का ध्यान रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है, तुम्हारे तो पिता हैं, मेरे तो गुरु हैं, पिता हैं। मेरे प्राण रहते मैं इन पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। चिंता मत करो पुत्री, मैं जानता हूं कि सभी वहां पर हृदय वृक्षी राक्षस के होने को लेकर चिंतित हैं। परंतु हम तो प्रभु भक्त हैं, वो जो भी करेंगे उचित ही होगा। चलिए पिताजी। तुमने प्रभु तिलक तो किया ही नहीं। सखी, अचानक तुम्हारे मुख पर चिंता का भाव क्यों? रुकिए, रुक जाइए पिताजी, स्वामी। पिताजी और स्वामी चले गए। क्या हुआ सखी, इतना विचलित क्यों हो? बुझ गया, पूजा का दीपक बुझ गया। तो क्या हुआ सखी, काफी देर से जल रहा था तो उसे बुझना ही था ना? किंतु उसमें घृत भी था और दिए की बाती भी नहीं जली थी और वायु का कोई प्रवाह भी नहीं था, अकारण कैसे बुझ गया? अर्थात ये किसी अशुभ का संकेत है। देखो कैसे काले मेघ छा रहे हैं, बीच दिन में ऐसा अंधकार क्या उचित है?
तुम चिंता मत करो सखी, मेरे पिताजी भी उनके साथ गए हैं। प्रभु नारायण उनका कोई अनिष्ट नहीं होने देंगे। मैं वहाँ उस वृक्ष के नीचे आराम करूँगा। हाँ, हम भी चलकर वहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। ये वृक्ष लगता है ये उस हृदय बच्चे का जाल है। रुक जाइए, आगे मत जाइए। आप सभी यहां से लौट जाइए। क्या हुआ पिताजी? यहां हृदय बच्ची है, आप लोग भागकर अपने प्राण बचाइए। दुष्ट, तुमने मेरा भोजन छीना है, अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। उससे पहले मुझसे तो पार पा लो दुष्ट। अरे ये दोनों वहाँ क्यों रुक गए? हृदय भक्षी के क्रोध से अब इन्हें कौन बचाएगा? आज तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरे सामने मेरे जमाई ही नहीं बल्कि मेरे सबसे प्रिय शिष्य का अंत किया है और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। कौन है यहाँ जो मुझे दंड देगा? प्रभु तो सर्वत्र है दुष्ट, मेरा हृदय तुम्हारे लिए अंतिम भोजन बनेगा जो तुम्हारे लिए विष का काम करेगा। देखो ना देवती, स्वामी और पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। वहां क्या हुआ पिताजी? चंद्र ने अपने ससुर और गुरु के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। तुम्हारे तो पिता है, मेरे तो गुरु हैं, पिता है, मेरे प्राण रहते मैं इन पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। गुरु के लिए जीवन देने में एक पल भी संकोच नहीं किया उसने। जो प्राण हमें प्रभु ने दिए हैं वो प्रभु के ही अंश हैं। उनकी इच्छा के आगे हमारे प्राणों का क्या मोल? हम सभी तो प्रभु में समाहित होने को सदैव तत्पर हैं। सुधर्म जी ने तो उस हृदय भक्षी से हम सबकी रक्षा की, उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए हमारे लिए। अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की उन्होंने। अगर वो है भी तो जो भी होगा उसकी इच्छा से नहीं होगा, प्रभु नारायण की इच्छा से होगा। हम तो प्रभु के अंश हैं, समय आने पर इन्हीं में समाहित हो जाएंगे।
दोनों ने जो कहा था वही हुआ। दोनों अपने प्रभु में समा गए। किंतु स्वामी, पिताजी, अपनी गुणवती को अकेला छोड़ करके वो चले गए। सुधर्म और चंद्र दोनों ने ही जीवन भर सूर्य पूजन किया, उसी कारण उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ धाम में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी, मुझे नहीं ज्ञात था कि सूर्य देव के पूजन से भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पिता और पति दोनों के देहांत के बाद गुणवती के पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी धन नहीं था, किंतु उसने किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाया, न कोई ऋण लिया और न ही दान। इसलिए जो भी उसके पास था सब उसे मोल देना पड़ा। ये क्या कर रही हो सखी? अपने सभी वस्त्र किसी और को दे दूंगी तो खुद क्या पहनूंगी? मेरे लिए तो ये एक ही जोड़ा पर्याप्त है। वस्त्र के एक जोड़े में जीवन बिता दोगी ठीक है, परंतु भोजन के लिए अनाज चाहिए। खाओगी नहीं तो जियोगी कैसे? जीवन तो श्वास के बल पर है और ये श्वास मुझे मेरे प्रभु ने दी है। जब तक उनकी इच्छा होगी चलेगी। क्या इतना धन पर्याप्त होगा मेरे पिताजी और स्वामी के अंतिम संस्कार के लिए? थोड़ा धन तो और चाहिए। मैं उधार दे दूंगी। नहीं, मेरे पास इतना धन है, मैं उसमें ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लूंगी। किंतु सखी, तुम्हारे घर में अब बचा ही क्या है प्रभु नारायण की मूर्ति के सिवाय? मैं प्रभु को अपने मंदिर में स्थापित कर सकता हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें शेष धन दे सकता हूँ। इतने दिनों से जिनकी तुमने पल पल सेवा की, पूरे मन से जिनकी आराधना की, उन प्रभु को तुमने कैसे बेच दिया सखी? प्रभु मेरी संपत्ति थोड़ी है, उन्हें कोई कैसे बेच सकता है? मैंने तो बस मूरत बेची है। प्रभु तो यही है मेरे हृदय में, उन्हें यही पूछ लूंगी। तुम्हारे समान मैंने कोई नहीं देखा सखी, तुम सचमुच महान हो। तो क्या मैं उस जन्म में अपने पिता और पति का अंतिम क्रियाकर्म कर सकी? हाँ, और उसके बाद आपने अपनी सभी समस्याओं और कठिनाइयों को भूलकर पूर्ण रूप से अपने आप को नारायण भक्ति में समर्पित कर दिया। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि। परम पद की प्राप्ति इतना सरल नहीं, उसके लिए अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। गुणवती, अपने आप को संभालो सखी, आओ बैठो। ये लो, जल पियो।
दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया है सखी, तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगेगी तो भोजन भी वो स्वयं ही देंगे। इस प्रकार आपने नारायण भक्ति में अनेकों दिन बिताए, शरीर दुर्बल भी हुआ, तब भी आप रुकी नहीं, और फिर कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ प्रभु? साधु संतों की एक टोली आपके आश्रम में पहुंची। बोलो नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बोलो नारायण हरि हरि। क्या आश्रम में कोई है? क्या हम नारायण भक्तों को कुछ समय विश्राम करने के लिए आसरा मिल सकता है? क्या हुआ देवी? मेरे पास आप सबको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ? आपका सेवा भाव ही पर्याप्त है। आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए जल ले आती हूँ। देवी, जल तो प्राप्त हुआ हमें, थोड़ा भोजन मिल जाता। यात्रा से हम थके हुए हैं और हम सब भूखे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो स्वयं ही जल पीकर जी रही हूँ। सच? कुछ भी नहीं है घर में? हाँ साधु महाराज, यदि होता तो मैं निसंकोच आपको परोसती थी। तो फिर आपके रसोई घर से ये सुगंध कैसी है? कृपा का प्रसाद फल है। अब कोई साधु भूखा नहीं जाएगा, कोई साधु भूखा नहीं जाएगा। प्रभु श्री हरि नारायण ने आप सबके लिए प्रसाद भेजा है, आप सब ग्रहण कीजिए। देवी, हम तृप्त हो गए, अब हमें आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। मेरा कल्याण मुनिवर।
उसका क्या उपाय है? एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत तो मैं बचपन से रखती आ रही हूँ मुनिवर। ये तो उसी का परिणाम है कि हम नारायण भक्तों को आपके घर से भूखा नहीं जाना पड़ा। ए साधु महाराज, मुझे अपने पति और पिता समान प्रभु शरण में जाने का उपाय सुझाने की कृपा करें। पुत्री, कार्तिक मास बहुत पवित्र और पावन होता है। उस मास में जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उसका पुण्य सबसे अधिक मिलता है, और उस मास में जब सूर्यदेव तुला राशि में होते हैं उस समय स्नान करने से सांसारिक सुखों के साथ साथ प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, परम पद की प्राप्ति होती है। मैं आपके सुझाव का पालन करूंगी मुनिवर, आपको अनेकों धन्यवाद। चलो देवती, स्वयं प्रभु श्री नारायण हरि ने प्रसाद भेजा था, साधु संतों की टोली ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब तुम भी प्रसाद ग्रहण कर लो। चलो। इस भोजन पात्र में तो एक पूरी और थोड़ी सी खीर बची है, और तुमने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है, फिर भी तुम ये मेरे साथ बांटना चाहती हो? हाँ, प्रसाद को बांटकर खाना तो हमारा धर्म है ना। तुम महान हो सकी, सचमुच महान हो। अगर कोई अन्य व्यक्ति होता तो ये भोजन कभी नहीं बांटता। धर्म निभाने में भला कैसी महानता। चल प्रसाद ग्रहण कर। प्रसाद का एक कण भी भीतर जाए तो ऐसा लगता है मानो वर्षों की भूख ही मिट गई हो। मैंने कहा था ना, जब भी मुझे भूख लगेगी स्वयं प्रभु मेरे लिए भोजन भेज देंगे। किंतु आज तुम्हारे मुख पे आनंद की जो झलक है केवल भूख मिटने की तो नहीं है, क्या हुआ है? मुझे प्रभु का आशीर्वाद पाने का मार्ग मिल गया है। कार्तिक माह में मैं आकृति स्नान का संकल्प लूंगी। ये आप ही की लीला थी ना प्रभु, उन साधु संतों को आपने ही भेजा था ना। भगवान तो भक्ति भाव के भूखे होते हैं। जब भक्त अटूट भक्ति और श्रद्धा का परिचय दे, भला भगवान भी उससे कैसे पीछे हट सकते हैं। तो क्या मैं कार्तिक मास का स्नान संकल्प निभा सकी? नकार्तिक समो मासो, नकार्तिक समो मासो, नकृतेन समम युगम, नवेद सद्रसम, नतीर्थ गंगड़या समम, कार्तिका प्रवरो मासो, वैष्णवाणा प्रिय सदा, कार्तिकम सकलम यस्तो, भक्त्या सेवते वैष्णव। अर्थात कार्तिक के संतुल्य कोई माह नहीं, और सत्युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास का स्नान इतना सरल नहीं। घोर शीत में सूर्योदय की पहली किरण के पहले स्नान लेना होता है। जय श्री नारायण। हाँ, ओम श्री नारायण हरि।
ओम श्री नारायण हरि। गुणवती के शरीर में इतनी शक्ति कहाँ थी कि वो कार्तिक की उस शीत को सहन कर सके। पर जब कार्तिक मास का अंतिम दिवस आया वो अस्वस्थ हो गए। थोड़ा तो अपना ध्यान रखना चाहिए था ना सखी। अब क्यों उठ रही हो तुम? कार्तिक स्नान के लिए भी तो जाना होगा ना, तभी तो मेरा संकल्प पूरा होगा और मुझे प्रभु की कृपा मिलेगी। मुख से बोल निकलना कठिन हो रहा है और तुम्हें स्नान करने जाना है। जाना तो होगा ही ना, आज कार्तिक माह का अंतिम दिवस है। परंतु तुम्हें तेज ज्वर है, तुम्हारा शरीर ज्वर से तप रहा है। ये तो बस शरीर का ताप है, प्रभु का नाम लूंगी तो पल भर में सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं सखी, तुमने पूरी रात मेरी सेवा की है, अभी थोड़ा विश्राम करो, मैं शीघ्र ही लौटूंगी। संभल कर जाना सखी। मुझे संभालने वाले तो वो है जिनकी दृष्टि सदा हम पर रहती है। तुम चिंता मत करो। प्रभु, आज कार्तिकेय के इस आखिरी दिन मुझे स्नान करने की शक्ति दीजिए। मेरा संकल्प पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मेरा संकल्प पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु ने अपनी कृपा से वंचित कर दिया मुझे। मैं अंतिम दिन का स्नान भी पूरा नहीं कर पाई, मेरा संकल्प अधूरा रह गया। ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे प्रभु, ऐसी क्या भूल हो गई? नारायणं
गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। देवी गुणवती, ये मिलाप का नहीं, आनंद मनाने का समय है। तुम्हारा कार्तिक स्नान अब पूर्ण हो। तुम्हारे इस सफल संकल्प के फल स्वरूप तुम अपने अगले जन्म में मेरे पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें परम पद प्रदान करता हूँ। पूर्व जन्म में कार्तिक स्नान के परिणाम स्वरूप आपको वैकुंठ में वास मिला, और जब मैं अपने इस पूर्ण रूप में अवतरित हुआ तो आपने भी जन्म लिया, और इस जन्म में भी आपके पिताजी वही हैं जो पिछले जन्म में थे। ये आपके कार्तिक मास और एकादशी के व्रत का ही परिणाम है कि आप देवियों के समान गुणों और पुण्यों से परिपूर्ण होकर असाधारण बन गए। आपने गुणवती रूप में मेरे मंदिर के आगे तुलसी वाटिका लगाई थी, इसलिए आज ये कल्प वृक्ष आपके आंगन में शोभायमान है। अपने पूर्व जन्म में कार्तिक माह पर आपने जो दीप दान किया था, उसी के परिणाम स्वरूप आपके निवास में स्थिर लक्ष्मी का वास है। एकादशी व्रत और अन्य व्रत करते हुए आपने सभी कर्मों में पति रूप में नारायण का निवेदन किया, इसलिए आज आप मेरी पत्नी हैं। एकादशी और कार्तिक माह के अनुष्ठान की इतनी अपार महिमा है। हाँ, इन दोनों ही अनुष्ठानों से प्रभु श्री हरि नारायण सदैव प्रसन्न होते हैं। अनेकों यज्ञ, तप, दान और व्रत से कहीं अधिक ये दोनों व्रत फलदायी होते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुणवती जैसे साधारण स्त्री का असाधारण हो जाना। तो क्या देवी सत्यभामा और प्रभु श्री कृष्ण एक साथ नरकासुर का वध करेंगे? तब तो मैं अभी जाकर प्रभु श्री कृष्ण को नरकासुर के पापों के बारे में बता देता हूँ। पुत्र गणेश, प्रभु श्री कृष्ण से कुछ छिपा नहीं है, किंतु जब तक उसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, वो उसका वध नहीं करेंगे। इसलिए उसके अंत के लिए हमें उसके समय के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए समय आने पर तुम्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा पुत्र। विघ्नहर्ता होने के नाते सृष्टि का ये विघ्न तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। उचित है माता, जो आपकी आज्ञा। अब शीघ्र मिलेगी नरकासुर के पापों से इस जगत को मुक्ति। पुत्र, ऐसा अधर्म करोगे तो अपने विनाश को आमंत्रित करोगे। त्याग दो ये विचार। सेनापति उद्यम, प्रणाम महाराज, आदेश दीजिए। पृथ्वी की सभी अविवाहित सुंदर राजकुमारियों का हरण करके लाओ यहाँ।
मैं उन सभी से विवाह करूंगा। स्वामी, स्वामी हमारा पुत्र धर्मी हो गया है, भूल पर भूल किए जा रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए, उसे रोकिए, रोकिए प्रभु, उसे रोकिए। हमारे पुत्र में दोष का आभास हुआ है मुझे। यदि इसे बुरी संगति मिली तो इसमें आसुरी प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है। इसे बुरी संगति से बचा कर रखिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है। किंतु प्रभु, मैं माँ हूँ, अपने पुत्र को ऐसी भूल कर उसके सर्वनाश की ओर कैसे बढ़ने दूँ, उसके सर्वनाश की ओर कैसे बढ़ने दूँ। इस समस्या का समाधान करने के लिए समय आने पर तुम्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा पुत्र। माता कामाख्या ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे भी अपना योगदान देना होगा, किंतु मुझे क्या करना है ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। प्रभु, एक बुरा समाचार है प्रभु। क्या? नरकासुर बहुत बड़ा अधर्म करने वाला है। आपके आदेश के अनुसार धरती के सभी राज्य से सबसे सुंदर 16,100 राजकुमारियां लाया हूं। बहुत हुआ नरकासुर, स्त्रियों का अपमान, उनका हरण उचित नहीं है। इतने बड़े अधर्म का परिणाम इतना ही भयंकर होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी समय है, अपनी भूल सुधारो और इन सभी राजकुमारियों को सम्मान सहित वापस लौटा दो। असंभव है। इससे पहले रावण ने भी यही उदंडता की थी, शुंभ ने भी स्त्रियों का अपमान किया था, उनका भी भयंकर अंत हुआ था, और तुम भी वही भूल दोहरा रहे हो। माँ, मैं ना रावण हूँ ना शुंभ निशुंभ, नरकासुर को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। राजा हूँ मैं, ये पद मुझे आपसे या पिताजी से नहीं मिला, ये पद मैंने स्वयं अपनी भक्ति और शक्ति से अर्जित किया है। इसलिए मैं सारे निर्णय भी स्वयं लूंगा। और मेरा निर्णय है, अब मैं इन सभी सुंदरियों का पति बनूंगा। सच कहा था स्वामी ने, तुम वो पुत्र नहीं हो जिसे मैंने बड़ा किया था। इसकी दुष्टता की तो कोई सीमा ही नहीं। पहले माता कामाख्या का आशीर्वाद खोया इसने, और अब अपनी माता का निरंतर अपमान कर उनके आशीर्वाद से भी वंचित हो गया। पुत्र गणेश, जिसके साथ अपनी माँ का आशीर्वाद हो वो किसी भी संकट से उभर सकता है, किंतु यदि वो आशीर्वाद खो दे तो एक छोटी सी विपदा भी उसके विनाश का कारण बन सकती है। और नरकासुर तो बहुत बड़ी भूल करने वाला है। इन्हें रानी निवास में बंदी बनाओ और राक्षसी सेविकाओं से कहो कि इन सबको मुझसे विवाह करने के लिए तैयार करें, और यदि समझाने पर भी कोई अस्वीकार करे तो उसे ऐसा मृत्युदंड दो कि अन्य सभी मेरे प्रस्ताव को नकारने का साहस न कर सके। जो आज्ञा महाराज। इतना दुस्साहस भला कोई कैसे कर सकता है। प्रभु, इसे रोकने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी जाकर इन सभी राजकुमारियों को मुक्त करूँगा। पुत्र गणेश, इनकी रक्षा प्रभु श्री कृष्ण ही करेंगे। किंतु मैं इन 16,100 राजकुमारियों को संकट में देखकर कैसे रुक सकता हूँ।
वहाँ तो उन्हें राक्षसियों की प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा होगा। तो जाओ गणेश, जाकर तुम उनकी पीड़ा और भय को दूर करो। माँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनकी सहायता मैं कैसे करूँ? वैसे ही जैसे तुमने पुष्पदंत जी की सहायता की थी। एक अवसर दे रही हूँ, बात मान लो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु स्वीकार है, इस दुष्ट असुर से विवाह नहीं। हाँ हाँ, नहीं करेंगे विवाह। लगता है महाराज की आज्ञा अनुसार इन सबको सबक सिखाना ही होगा। चाबुक हवा में कैसे रुक गया? जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो अब नहीं बचेगा। जो भी हो, सामने आकर हमारा सामना करो। श्री गणेश यहाँ पधारे हैं? संभव है वो मेरी सहायता करने के लिए ही आए होंगे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, ले चलिए हमें यहाँ से। यह असुर हम पर अत्याचार कर रहा है, हमारा वध भी कर सकता है। हमें बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए। भय के कारण ही हमारे प्राण जाने वाले थे प्रभु। तो क्या मेरी स्तुति करते समय भी आप नहीं प्रभु? तब क्या था आपके मन में? भक्ति प्रभु। एकमात्र भक्ति का भाव था मन में। भक्ति की शक्ति अपार है, जिससे कोई पार नहीं पा सकता। प्रभु हम तो आजीवन आपकी भक्ति करेंगे, परंतु इस दुष्ट असुर से हमारे जीवन को सुरक्षित करने की कृपा कीजिए प्रभु। मेरी नहीं, आप सभी प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। श्री हरि नारायण के पूर्ण अवतार प्रभु श्री कृष्ण ही आपको मुक्ति देंगे।
विधि के विधान के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण और उनकी पत्नी देवी सत्यभामा के हाथों ही इस दुष्ट का अंत नियत है। नहीं, मैं मेरे पुत्र को नहीं खो सकती, मुझे कुछ करना होगा। आप सभी इसी पल से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कीजिए। क्या हो स्वामी, आपका ध्यान कहीं और है क्या? नहीं नहीं, मुझसे छिपाइए मत स्वामी, मैं जानती हूँ आपका ध्यान कहाँ है। कहाँ? यहाँ होते हुए भी आपका मन रुक्मणी दीदी के पास ही है ना? नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए स्वामी? मुझे तो यही सत्य लगता है, आपने एक साधारण स्त्री को अपनी पत्नी का स्थान अवश्य दिया है, किंतु स्नेह आप रुक्मणी देवी से ही करते हैं। मैं अपने स्नेह को अधिक और कम में बांटता हूँ, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों, भूल गए वो तराजू वाली घटना, जब मैंने तो उस पर अपना सब कुछ रख दिया था, अपना संचित धन, अपने आभूषण, फिर भी मेरा पलड़ा आपके पलड़े से भारी नहीं हुआ। फिर रुक्मणी देवी आई और एक तुलसी का पत्ता लाई और उनका पलड़ा आपसे भारी हो गया। मैं तो तभी समझ गई थी कि आप सर्वाधिक प्रेम रुक्मणी देवी को करते हैं। स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पांव आपको लग गया। प्रिय, इसके लिए क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं भी किससे तुलना करने लगी भला, कहां देवी लक्ष्मी का अवतार और कहां मैं, एक साधारण स्त्री, और अब अनजाने में मैं ये भूल भी कर गई। शीघ्र जगत कल्याण के एक महत्वपूर्ण कार्य में हम दोनों सहभागी होंगे। स्वप्न में भी अपनी संतान का भला ही चाहती है पुत्र, अपने अशुभ को शुभ में बदलना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अभी भी समय है पुत्र, अपने कर्मों को सुधार लो तो तुम्हारा अहित रुक सकता है। आप क्या ये कह रही हैं माँ कि जो गणेश जी ने कहा वो सत्य है? हाँ पुत्र। नरकासुर की माँ को ऐसे भयभीत होना शोभा नहीं देता। सत्य तो यह है कि सभी देवता मेरे अधीन है। गणेश जी तो पहले भी आए थे और देवताओं को मुक्त नहीं करा सके, और अब भी आए हैं तो राजकुमारियों को मुक्त कराने में असफल ही रहे, बस वो आते जाते रहते हैं और कुछ नहीं। मूर्ख मत बनो पुत्र, विघ्नहर्ता है वो, उनकी शक्ति उनकी महिमा को पहचानो, उनकी शक्ति के आगे तो सबको नतमस्तक होना पड़ता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ से पहले सभी देवी देवता उनका पूजन करते हैं, किंतु उनकी ऐसी महानता है कि देवों के देव महादेव ने त्रिपुर का नाश करने के पहले उनकी पूजा की थी। चुंबन शुंभ हो या महिषासुर, ऐसे बलशाली असुरों का वध करने के लिए माँ दुर्गा के सहायक बने थे पार्वती नंदन गणेश जी। जहाँ पाप का प्रकोप संसार में विघ्न उत्पन्न करता है उसका नाश करने के लिए गणेश जी सदा तत्पर रहते हैं। तो अब आपने पुत्र की तुलना महापापियों से कर रही हैं? नहीं पुत्र, मैं तो बस अपने पुत्र को समझा रही हूँ कि वो गणेश जी की शक्तियों को समझे और धर्म का पथ छोड़ धर्म के पथ पर लौट आए और अपने विनाश को रोक ले, क्योंकि यदि गणेश जी ने कहा है कि श्री कृष्ण यहाँ तुम्हारा अंत करने आएंगे तो ऐसा अवश्य होगा। और अब तो तुम माता कामाख्या के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच से भी वंचित हो चुके हो। सत्य सत्य क्या आपने, मैं उनकी शक्तियों का कवच तो खो चुका हूँ,
किंतु अब भी मेरे पास अति शक्तिशाली भयंकर असुर योद्धा है जो किसी भी संकट के आने पे मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए यदि श्री कृष्ण को आना है तो आए, नरकासुरों का सामना करने के लिए तैयार है। नरकासुरों का सामना करने के लिए तैयार है। मूरा उपस्थित है महाराज, आदेश दीजिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पुत्रों की भी आवश्यकता होगी। आम्रा, अंतरिक्ष, शार्वन, विभारसु, वासु, नाभस्वान, अरुण, मेरे पराक्रमी योद्धाओं, पराग ज्योतिषपुर की सुरक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। सेना एकत्र करो और किसी को भी हमारे नगर में प्रवेश मत करने दो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, नारायण और उनके अवतारों से तो हमारी जन्म जन्मांतर की शत्रुता है, हम उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। किंतु महाराज, यदि महादेव और उनके गण भी श्री कृष्ण की सेना का भाग बने तो उन्हें रोकना हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। निश्चिंत रहो, मैं महादेव और उनके गणों के लिए अलग योजना रच चुका हूँ। मित्र बारासुर को मैं ये दायित्व सौंप चुका हूँ, बस अब उसे ही शीघ्रता करनी होगी। मैं जानता हूँ प्रभु, आपको अभिषेक कितना प्रिय है। मेरी यही इच्छा है, जब तक मेरा तप होता रहे तब तक आपका भी अभिषेक होता रहे। हर हर महादेव। उचित मार्गदर्शन करने वालों की अवहेलना सदैव पतन की ओर अग्रसर करती है।